सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी लोगों के रिजल्ट का, आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा और आप में से कौन है विनर्स, और भी हम चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जस्ट लाइक आप लोगों के जो टॉप 5 आर्टवर्क हैं एंड जो भी आप लोगों के जिन भी लोगों के आर्टवर्क रह गए थे उन लोगों के आर्टवर्क का रिव्यू करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं जिन भी लोगों के आर्टवर्क रह गए थे उन लोगों के आर्टवर्क का रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पहला आर्टवर्क देख सकते हैं जो कि राजदास का है, जो कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और जो राजदास है वो ग्रुप बी से हैं एंड यहाँ पर आप लोग उनके डिटेलिंग वगैरह देख सकते हैं जो कि कितनी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रही है। और राजदास ने यहाँ पर बैकग्राउंड भी कितनी अच्छे से हर चीज़ कर रखी है, बस थोड़ा काफ़ी चीज़ बढ़िया और इम्प्रूव हो सकती है। बहुत बढ़िया बनाया हुआ राज आपने, कीप इट अप। चलिए नेक्स्ट आर्टवर्क देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्टवर्क जो कि आप लोग देख सकते हैं जो कि प्रिंस ने बनाया हुआ है, और इन्होंने हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही कर रखी है, बस इनको कलरिंग और थोड़ा आउटलाइन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे इन्होंने यहाँ पे हनुमान जी के हेयर्स में हाईलाइट देते हुए इन्होंने वाइट कलर का यूज़ कर रखा है। अगर ये पेंसिल कलर या फिर इरेजर वगैरह का यूज़ करते तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बन पाता। एंड यहाँ पर इन्होंने ग्रिड बनाया हुआ है, ग्रिड से बनाइए। आपको ना ग्रिड पे ध्यान देना कि ग्रिड से किस तरह यूज़ किया जाता है। तो अगर आप लोग को उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। चलिए प्रिंस आप वेल डन, आप और इम्प्रूव कर सकते हो अपना आर्टवर्क। तो फिर हमारा नेक्स्ट आर्टवर्क देख सकते हैं आप। ये आर्टवर्क जो है ये इशिका का है, जो कितना ज़्यादा बढ़िया बनाया हुआ है इन्होंने। है तो बहुत बढ़िया है बट ये आउट ऑफ थीम है, तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बना लेती है इशिका आप। तो चलिए नेक्स्ट आर्टवर्क देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्टवर्क है शुभोजित मोदक का, जो कि 8 साल के हैं और ये ग्रुप ए से हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने हर चीज़ कितने अच्छे से कर रखी है, बस थोड़े राम जी की इन्होंने आइज़ में दिक्कत कर दी। एंड हर चीज़ की डिटेलिंग आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा बढ़िया है। बहुत बढ़िया शुभोजित मोदक, आपने बहुत बढ़िया बनाया और ये ग्रुप ए से हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टवर्क देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आर्टवर्क है मीत का, जो कि ग्रुप बी से है एंड इनका आर्टवर्क भी आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे हनुमान जी का फेस थोड़ा बड़ा कर दिया और राम जी का फेस थोड़ा छोटा कर दिया, तो आपको भी मीत आउटलाइन पे ध्यान देना है। तो इसी के साथ ही हमारे सारे आर्टवर्क कंप्लीट होते हैं। एंड अब बात करें कि हमारे कौन है टॉप 5 आर्टवर्क, किन किन के टॉप 5 आर्टवर्क है। सबसे पहले आप लोग आर्टवर्क देख सकते हैं जो कि आकांक्षा का है, जो कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और यहाँ पर इस वाले आर्टवर्क मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी कलरिंग, जो कि इन्होंने कितने अच्छे से कर रखी थी। सो नाउ सेकेंड आर्टवर्क इज प्रेम गुप्ता, और प्रेम गुप्ता का भी आप लोग आर्टवर्क देख सकते हैं, इन्होंने आउटलाइन से लेके कलरिंग तक कितने अच्छे से हर चीज़ को डिटेलिंग कर रखी है। सो अब बात करें हमारे टॉप 3 थर्ड आर्टवर्क की, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये जो आर्टवर्क है ये है सुजीत मोदक का, जो कि कितना ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। और इन्होंने यहाँ पर पेंसिल्स का यूज़ करके कितने अच्छे से बनाया हुआ है। सो ये चीज़ शेडिंग देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा इनका आर्टवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। तो नाउ नेक्स्ट आर्टवर्क इज राजदास का, जो कि आप लोग देख सकते हैं जो कि कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ की अच्छे से डिटेलिंग कर रखी है और कलरिंग तो इनकी काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की इन्होंने कर रखी है। सो नाउ हमारा लास्ट आर्टवर्क इस टॉप 5 के अंदर, जो कि है निहारिका चौरसिया का, और इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है और ये भी मेरे टॉप 5 आर्टवर्क में से है। एंड नाउ इज टॉकिंग अबाउट द विनर। सो विनर के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप ए की। तो ग्रुप ए से आप लोग देख सकते हैं जो कि जीती हैं सुनीता, और सुनीता का आर्टवर्क जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अब आप में से बहुत सारे लोगों का डिबेट होगा कि जो वोट में तो सबसे ज़्यादा क्रिश को मिले थे, लेकिन मुझे एक चीज़ का पता चला है कि ग्रुप वोटिंग करने से ये होता है कि जिसके पास ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है अपने लोगों से बोल के अपने आप को वोट करने के लिए कहता है, जिससे कि उसके ज़्यादा वोट हो जाते हैं। एंड जिसका एक्चुअल में जेन्युइन में जो डिज़र्व करता है तो उसको ही मैं आर्टवर्क यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि है सुनीता का आर्टवर्क। सो हमारा नेक्स्ट जो है ग्रुप बी, और सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो कि ग्रुप बी से जीते हैं प्रेम गुप्ता, जो कि इनका आर्टवर्क कितना ज़्यादा बढ़िया बना हुआ है। इन्होंने हर चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और मैं प्रेम गुप्ता और आकांक्षा को विनर चुनने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज था कि किसको चुनूँ, बट फाइनली मैंने देख लिया है तो आकांक्षा आपको डिसअपॉइंटेड नहीं होना है, आपका आर्टवर्क भी बहुत बढ़िया था। बस जहाँ मैंने रिव्यू वीडियो में कहीं ना कहीं कमी बताई थी आपको उस पर ध्यान देना है। और हमारे ग्रुप बी के विनर है प्रेम गुप्ता। एंड लास्ट ग्रुप जो है ग्रुप सी, तो ग्रुप सी से बात करें सो हमारी जो नेक्स्ट विनर है वो है निहारिका चौरसिया। और यहाँ पर भी एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो अब ऋषभ
ठाकुर का भी मैंने आर्टवर्क देखा था, लेकिन उनका आर्टवर्क काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने आर्ट कॉम्पिटिशन की थीम से अलग ड्राॅइंग बनाई थी, जो कि जिस वजह से वो इस आर्ट कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट तो हो गए, उनका रिव्यू तो कर दिया था, बट विनर सेलेक्ट करने में ये प्रॉब्लम आ रही थी। सो जिन भी लोगों ने थीम के अंदर रह के जो आर्टवर्क बनाया था, तो उन्हीं के मैंने आर्टवर्क सेलेक्ट किए हैं। सो आप लोग को आई होप से सारे विनर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पता चल चुके होंगे। सो और आप लोग को अगर कुछ भी हेल्प चाहिए हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और आप में से भी जिनके मैंने इसमें टॉप 5 आर्टवर्क दिखाए हैं एंड जो भी विनर्स रहने वाले हैं, सो उनको सर्टिफिकेट मिलने वाला है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराऊंगा। और गिफ्ट के लिए आप लोगों को चैनल पर एक्टिव रहना है, मैं बहुत जल्द पोल डालने वाला हूं कि आप लोगों को क्या प्राइस चाहिए, तो उसके लिए आप लोग सेलेक्ट करना। तो आई होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।